आएंगे तो बच्चे रहेंगे तब ना पढ़ाएंगे। सरकार पढ़ाई के एवज में बहुत सारी सुविधा देती है। कुछ दिन पहले यहाँ शिक्षा संवाद नाम का एक कार्यक्रम हुआ था विद्यालय में, कोई आए थे उसमें, कोई गार्जियन आए थे? हाँ, तो उसमें बतलाया गया था जो बच्चे को पढ़ाई के अतिरिक्त और बहुत सारी सुविधा दी जाती है। इसमें जो बच्चे नियमित आते हैं उसको छात्रवृत्ति, पोशाक, नेपकिन, और दसवां यदि पास करेगा तो उसको सरकार 4 लाख रुपया कम दर पर, ब्याज पर देगा आगे रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन इस सारे में शर्त है, जो विद्यार्थी प्रतिदिन आएंगे उन्हीं को मिलना है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए जो बच्चे को नाम लिखा लिए वो आए ना आए और फिर परीक्षा देने के समय में आए। कुछ दिन पहले हम देखे हैं बहुत कम ही विद्यार्थी आ रहा था स्कूल में, जबकि यहाँ मेरे यहाँ बहुत योग्य शिक्षक और अभी 25 शिक्षक हैं। 25 शिक्षक का मतलब है यहाँ सरकार की तरफ से इन शिक्षकों पर कम से कम 10 से 15 लाख रुपया सरकार प्रत्येक महीना इस विद्यालय को दे रही है। तो 10 15 लाख रुपया क्या वैसे सारे लोग को मिले? वैसे मिलना चाहिए, सारे शिक्षक बैठ के चले जाएंगे और वैसे पैसा मिलेगा? आप लोग नहीं भेजिएगा तो इनको तो मिलना ही है। लेकिन हम चाहते हैं यदि शिक्षक आए हैं, अब बहुत ही पुराने शिक्षक भी योग्य हैं, नए शिक्षक भी योग्य हैं, शिक्षक की संख्या बढ़ गया है, 1 घंटी लीजर नहीं होगा पढ़ाई वाला, कोई जरूरी नहीं कहीं ट्यूशन पढ़ाने का। क्या ट्यूशन पढ़ाने में यहाँ जो शिक्षक है उससे बहुत योग्य शिक्षक सब है? ऐसी बात नहीं है। और माने ऐसे नहीं, जो नहीं आए फिर भी आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। इसी बार आया था जो परीक्षा नहीं दिए हैं उसको दसवां वर्ग में नहीं जाना है। यदि 3 पहले था 15 दिन, अब कहता है 1 सप्ताह, फिर कर दिया 3 दिन। 3 दिन बिना कारण का, बिना लिखित दिए हुए स्कूल नहीं आता तो कहता है उनको नाम काट देने के लिए। तो यदि फिर नाम काट देते हैं तब आपको 500 रुपया लगेगा 3 दिन के बाद एडमिशन के लिए, फिर नामांकन चार्ज आपको लगेगा 500 रुपया लगेगा। तो हम यही चाहेंगे, अभी जितने बच्चे हमारे परीक्षा में बैठे थे हम सबको शुभकामना देते हैं जो फिर से मेहनत करें, और अभी जो मार्क आया है उससे कम से कम 50% 30% ज्यादा नंबर दसवां वर्ग में आए तब ना हमको संतोष होगा। टीचर यहाँ आए हैं, विद्यार्थी आते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई हुआ है तो थोड़ा ये अच्छा आगे बढ़ रहा है। और यदि पढ़ेगा आपको मालूम होगा कि मेरे यहाँ का, बैठिए ना मैडम जी, बैठिए ना, उसको आपको इसमें पिंकी कुमारी को कौन जानते हैं? कोई आपको पता है उनको कितना नंबर आया है? 449 नंबर उसको आया है, लेकिन मेहनत भी करती थी। शायद हमको लग रहा है एक भी दिन एब्सेंट नहीं होती थी। सर यदि किसी को ये होगा जो मेरा बच्चा बहुत कमजोर है वह नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं होता है सर। डेली आप लोग इसमें से कई किसान वाला काम किए होंगे, कई घास काटने वाला काम किए, जहां कुछ भी घास नहीं रहता वहां भी घास काटने पर भर दिन में 1 टोकरी पुरा लेते हैं। वैसे जो विद्यार्थी रेगुलर आएंगे, कितना भी कमजोर है कुछ नहीं आता है फिर भी वह सीख जाएंगे। क्योंकि हम 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, देख रहे हैं जो कई विद्यालय में ऐसा विद्यार्थी था जो पहले कभी नहीं आता था और फिर दबाव देने के बाद वो आने लगा, तो देखे हैं जो हुआ। आप लोग जो कछुआ खड़ा वाला कहानी सुने हुए हैं ना, कछुआ खड़ा वाला कहानी सुने हुए हैं? है जो कछुआ और खड़ा रेस लगाया तो स्वाभाविक था, तो खड़ा को तो जितना था ही है, लेकिन वह सोचा जो मैं तो तेज हूं, मैं बैठ जाता हूं, आराम करता हूं, सो करके जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, तब तक वह कछुआ पहुंच गया वहां पर। तो वैसे माने ऐसा नहीं जो तेज है वही तेज रहेगा, जो कमजोर है वह भी तेज हो सकता है, लेकिन निरंतर लगा रहेगा तब। अभी विद्यार्थी का शायद इसी पिछले महीना से बहुत सारे विद्यार्थी का पैसा गया है, आप इनमें से कोई विद्यार्थी है जिनको पैसा गया है? अरे आपको नहीं बोलते हैं, विद्यार्थी को बोलते हैं हम। नहीं नहीं, आपका विद्यार्थी कौन है? कौन आपका ये विद्यार्थी है? सर ये विद्यार्थी कैसा विद्यार्थी है ये? उसका देखना पड़ेगा, अटेंडेंस चेक करेंगे। अच्छा वही अटेंडेंस हम ढूंढ रहे थे। अच्छा इसमें है पैसा 75%, अब हम लोग नहीं देते हैं। अटेंडेंस का ऑनलाइन होता है, 3 बार हमको जिला में रजिस्टर लेके बुलाया गया,
पहले तो फॉल्सो बना देते थे, तीन बार जिला में रजिस्टर लेके गए हैं। तो अब आशा मत कीजिएगा जो मेरा बच्चा नाम लिखा लिए उसको पैसा मिलेगा, चाहे उसका नाम ही रहेगा, स्कूल में नाम लिखा लिए अकारण, और जब कारण है कोई कारण है तो दो दिन चार दिन एप्लीकेशन पहले दे करके जाइए तब ये नाम रहेगा, नहीं तो ये नाम लिखा लिए और विद्यार्थी का लाभ क्या, नाम भी नहीं रहेगा, नाम भी नहीं रहेगा, स्कूल में नाम नहीं रहेगा, पहले वाली बात नहीं है। सरकार यहाँ दबाव बना रही है कि यहाँ अब इंटर में भी यही एडमिशन होगा, हाँ कोई यदि चाहते हैं बाहर जाएंगे तो डीओ से अपना एप्लीकेशन वगैरह लिखा करके फॉरवर्डिंग करा के ले जाएंगे तभी होगा। यहाँ यहाँ हम एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो मेरा टीचर आए हैं, इतना टीचर आए हैं, ऐसा ना हो जो हमको सिर्फ बैठ करके इन लोगों को तनख्वाह की घोषणा करनी पड़ेगी, जहाँ तनख्वाह दिया जाए अब विद्यार्थी भेजे तब ना। कुछ दिन पहले देखे हैं क्या सर, यही ना दो तीन महीना से यहाँ 9-10 विद्यार्थी स्कूल में आता था, 9-10, 20-25 है देर से एडमिशन में क्या, नहीं ठीक या नहीं नहीं सुनिए गार्जियन का सूचना देने के लिए। अगर आप अभी जैसे बात कर रही है हम बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे पैसा का नाम आया ना तो बहुत आप टेम्पर हो गए, टेम्पर हो गए सुन लीजिए, जैसे अगर आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए जहाँ तक आप पढ़ाई की मामला जैसे आप रिजल्ट देने के लिए एक बार भी आप पूछे कि मेरे बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा, मेरी बच्ची कैसा पढ़ने में बात समझ, पैसे पैसा आना या नहीं आना, हाँ, हाँ, उसके बारे में कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं, देखिए वह पैसा पैसा जो है ना वह सर एक्स्ट्रा है, यहाँ जो स्कूल में मेन है पढ़ाई ज्ञान की बात है, और सरकार उसके माने प्रोत्साहन के लिए कुछ देता है, मान लीजिए नहीं हम लोग कभी नहीं मिला है, शायद सब लोगों को कभी नहीं मिला होगा, कभी मिला सर, कभी नहीं मिला, हम तो अरे हम लोग तो बोरा पर बैठते थे, हम तो टीचर बन के भी चौरान में बोरा पर बैठ के पढ़ाए सर, टीचर टीचर होके भी बोरा पर बैठ के पढ़ाए हैं, अब तो विद्यार्थी इतना स्टैंडर्ड हो गया है मानसिक रूप से, पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई में तो घुसखोर है लेकिन मानसिक रूप से उसका दिमाग इतना बड़ा हो गया तो हम इतने बड़े हैं, 9th में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं, पिछले साल टेट किए, जब जगह नहीं मिलता था तो दरी बिछाते तो उस पर नहीं बैठता था, उसको दिमाग में ये होता था मैं तो अब 9वां में चला गया है, मैं तो 10वां में चला गया, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन क्वालिफिकेशन में नहीं। अभी भी एक गार्जियन बोले हैं तो कहाँ गया विद्यार्थी, एक रोज वो परीक्षा दी है, एक तो कितने अच्छा, अरे ये विद्यार्थी से ज्यादा ये गार्जियन का गलती है, हाँ ये गार्जियन की गलती है, यदि कोई बच्चा ऐसा है जो गार्जियन का बात नहीं मानते हैं तो आ करके यहाँ टीचर से बोले, जो वर्ग टीचर है उनसे बोले ये बच्चा मेरा बात नहीं मानता है, यदि टीचर नहीं कुछ कहते हैं तो हमसे बोले, और पैसा पैसा कोई चीज नहीं है, पैसा तो सरकार देती है जो, हाँ हम भी चाहते हैं जो बच्चे पढ़े उनके लिए हम लड़ेंगे, पैसा के लिए हम लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन जो वही तो कह रहे हैं पैसा की बात अब कहाँ हो रही है, अब तो नाम काटने की बात हो रही है, स्कूल यदि नहीं आते हैं तो उनका नाम काटने की बात हो रही है, अब ना ना नॉर्मल नहीं, अब तो कह रहा है जो 7 दिन नहीं आया अकारण उसको नाम हटा दीजिए, नहीं ना बच्चे को देखिए ये बच्चे मारने वाला नहीं है, अब ये बच्चा मारने वाला नहीं है, ये सारा कुछ समझते हैं, ये सारा कुछ समझते हैं जो पढ़ने से क्या होता है, लेकिन इसके लिए गार्जियन को थोड़ा एक्टिव होना है। हम देखें हम 5वां स्कूल में आए हैं, ये मेरा 5वां स्कूल है जब से बहाली हुआ 30 साल में, सबसे कम प्रेजेंटेशन यही रहता है, क्या बात है, जब आप पढ़ाई का महत्व नहीं देते हैं तो क्या नाम लिखाते हैं, यदि विद्यार्थी से यहाँ शादी होता है तो लोग मौसी के गांव बच्चे को भेजते हैं तो 2-2 महीना छोड़ देते हैं, 3-3 महीना छोड़ देते हैं, अरे शादी 1 दिन में होता है, 2 दिन में फंक्शन होता है, क्या जरूरी है मौसी गांव पर 2 महीना छोड़ने का, 3 महीना छोड़ने का, 6 महीना छोड़ने का, तो पढ़ेगा क्या, पढ़ाई समय में आप लोग गार्जियन है थोड़े बच्चे के प्रति कठोरता बरतिए, एक प्लीज भेजिए, क्या दिक्कत है, तुम लोग तो और भी इतना, मेरा ये कहना है कि आपका गार्जियन नहीं चाहिएगा बच्चा पढ़े तो हम लोग भी चाह के नहीं पढ़ा पाएंगे,
आप भेजिएगा तब ना हम पढ़ाएंगे, या कोई शिकायत कीजिएगा जो मेरा बच्चा बदमाश है या उसको जो भी प्रॉब्लम है, कभी बीमार पड़ जाता है या शादी विवाह में जाता है, तो हमको जानकारी होगा तब ना हम छोड़ देंगे। नहीं तो मेरी भी बाध्यता है, यदि रजिस्टर लेके हमको बुलाएगा तो हम क्या करेंगे अपनी नौकरी। हम मान लीजिए आपके बच्चे के 500 या 1000 मिले ना मिले, मैं तो अपना 50-25 हजार नहीं गंवा सकता हूँ आपके बच्चे के लिए। अब यदि यहाँ बच्चे नहीं उपस्थित होंगे तो फिर बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा, हो सकता है कहेगा यहाँ से हाई स्कूल हटा दिया जाएगा, 9th हटा दिया जाएगा, जब बच्चे नहीं रहेंगे तो हटा देगा ना। 25-25 टीचर रहेंगे, उनको 10-15 लाख रुपया पर महीना सरकार पेमेंट देती है, तो सरकार तो हटा देगी जब विद्यार्थी नहीं रहेगा। तो मेरा भी मजबूरी है, देखिए मैंने हम अपने आपके बच्चे के लिए, ऐसा ना हो कि मेरा बच्चे भूखे रहे, जब बच्चा रहेंगे तब ना हमको तनख्वाह मिलेगा, तब ना सरकार देगा। तो इसमें दोनों आदमी का भलाई है, आपका बच्चा आएगा तो पढ़ेगा लिखेगा तभी हमको तनख्वाह मिलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चे को प्रतिदिन भेजिए। ऐसा नहीं है कोई आदमी ये यदि दिमाग में बैठा ले ट्यूशन में बहुत पढ़ाई होता है, कोचिंग में बहुत पढ़ाई होता है, ये एक मन का भ्रम है। हम कई विद्यार्थी को देखे हैं पहला दूसरा तीसरा में, वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसको सर किताब में पढ़ने आता है जब परीक्षा देने के लिए आता है, तो सिर्फ वहां गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अंकल डैडी टैडी सिखा देगा, इससे भी कुछ होने वाला है। यहाँ आपके साथ भी बहुत विद्यार्थी बैठा हुआ है जिनको किताब नहीं पढ़ने आता, ये शर्म की बात है। जो 9वां से 10वां में आ गया उसको किताब नहीं पढ़ने आता है, इससे मेरा दोष नहीं है, वो बच्चा आता ही नहीं है, आप भेजते ही नहीं है। तो आप भेजिएगा तब ना, क्या फायदा, उससे काम करवाइए। यदि आप नहीं भेजना चाहते उससे काम करवाइए, लड़का है तो उसे फिजिकल काम करवाइए, लड़की है तो उसका घर का काम करवाइए, यदि नहीं पढ़ाइएगा तो ऐसा हुआ काम नहीं सीखा और मैंने विद्यालय में कुछ नहीं सीखा। जो विद्यार्थी आते हैं हमको बहुत गर्व होता है, जो कुछ विद्यार्थी को इतना अच्छा मार्क आया है जिसको पेपर में नाम निकला था, सर क्या तो विद्यार्थी का अपने स्कूल का दो ठो का पेपर में शायद 2-3 ठो का निकला है ना। हाँ पीकी कुमारी का तो हिंदुस्तान में क्या कहते हैं प्रभात खबर में दैनिक जागरण में 4-5 पेपर में नाम निकला है। इसके साथ हम लोग का भी नाम होता है जो इस स्कूल में पढ़ाई होती है। हाँ वह एक भी दिन नहीं एबसेंट होती थी, ये लोग भी कुछ जानती होंगी। तो हम फिर पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हैं जो गार्डियन आए हैं, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात सरकार तरफ से हम लोग कहता है कि प्रत्येक शनिवार को बैठा करने के लिए, प्रत्येक शनिवार को जो आपके बच्चा आते हैं कि नहीं आते हैं आप समीक्षा कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं हो सकते हैं घर से चलते होंगे स्कूल नहीं आते होंगे, तो गार्जियन हमको कहेंगे तब ना हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो एक शनिवार नहीं आते हैं तो कम से कम अगला शनिवार को आप लोग आइए, क्योंकि मेरा भी नौकरी बचा रहे, आप लोग आइएगा, आप बच्चे यहाँ भेजिएगा, माने तभी मेरा भी नौकरी रहेगा, नहीं तो स्कूल बंद हो जाएगा, बाद में आप लोग हमको नहीं ऑब्जेक्शन दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग जितने भी अभिभावक आए हैं सबको नामांकन तो जरूर करा ही ले, नामांकन दूसरे जगह यहाँ से तो किसी दे दी जा रही है, कक्षा कुछ नए कक्षा में लोगों का प्रवेश हो रहा है, बहुत ही सुंदर जैसे ये माहौल है। सभी गार्जियनों का हार्दिक अभिनंदन भी है मेरे ओर से, और मैं क्या कहूँ, अच्छी तरह से सभी बच्चे है ना बच्चियाँ जो भी हैं वो अपने पठन पाठन में लगे, अच्छा करे है ना, बच्चे रेगुलाइज हो करके अपनी कक्षा में उपस्थित रहें, ताकि ये मौका नहीं मिले प्रधानाध्यापक साहब को कि नाम काटने पर व्यवस्था हो, नाम काटने का वक्त आ जाए। ये नाम नहीं काटना है ना, बच्चों को रेगुलर आप लोग भेजिएगा, नाम कटेगा ही नहीं। नहीं भेजिएगा आपके पास जैसे ये लोग जाएंगे गुहार लगाने पूछने जाएंगे, जानकारी लेने जाएंगे कि क्यों नहीं आप अपने बच्चों को भेजते, तो ऐसा नहीं कहना कि हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ठीक है, आज कोई पर्व त्यौहार हो गया है किसी तरह की बात है, कहीं काम काज में लग गए हैं, वैसी स्थिति में नहीं आते तो अलग बात है, लेकिन लगातार नहीं आना है ना, ये थोड़ा सा विभागीय जैसे निर्देशानुसार कठिनाइयों का सामना करने का नौबत भी न्योत रहा है।
दे रहा, तो ऐसी वक्त को नहीं आने दे। अच्छी तरह से लोग नामांकन करा करके अपने पठन पाठन में लगे रहे। धन्यवाद। चलिए, यही है मार्केट।